बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं हसनैन टेक्निकल। जी दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपनी वीडियोस पे व्यूज़ ज़्यादा कैसे हासिल कर सकते हैं, और मैं आज आपको बताऊंगा कि हैशटैग जो होता है वो कैसे लगाते हैं। आपने नाम तो सुना होगा कि हैशटैग लगाकर आप अपनी वीडियोस का जो है व्यूज़ बढ़ा सकते हैं, वॉच टाइम बढ़ा सकते हैं, साथ सब्सक्राइबर भी हासिल कर सकते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप हैशटैग कैसे लगाएंगे और उससे कैसे व्यूज़ हासिल करेंगे, क्योंकि बहुत से दोस्तों की ये ज़्यादातर बल्कि दोस्तों की ये परेशानी होती है कि वो वीडियो भी अच्छी बना रहे होते हैं लेकिन उनके व्यूज़ नहीं आ रहे होते। और जो बाज़ का दोस्त होते हैं कि व्यूज़ आ रहे होते हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं आ रहे होते, या कुछ लोग आते हैं वीडियो पूरी नहीं देखते और यानी थोड़ी सी देख के यानी दरमियान में यानी छोड़ के चले जाते हैं, उनकी वजूहत मैं आपको बताऊंगा और आपको मैं बताऊंगा कि आपने कैसे वीडियो बनानी है और किस तरह से हैशटैग की यानी जो है यानी आपने सेटिंग करनी है और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आपने हासिल करने हैं। तो अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। कंप्यूटर स्क्रीन पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने यानी हैशटैग यानी आपने ऐड करना है और कैसे आपने ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ हासिल करने और कैसे आप अपनी वीडियो को रैंक कर सकते हैं और कैसे ज़्यादा लोगों तक अपनी वीडियो को पहुंचा सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने यानी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल हसनैन टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलें चलते हैं हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। जी तो दोस्तों, हम आ गए हैं अब अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे अपनी जो वीडियो अपलोड करने के बाद कैसे उसकी सेटिंग करनी है, कैसे उसमें हैशटैग लगाने, कैसे आपने अपने व्यूज़ बढ़ाने और कैसे आपने व्यूज़ ज़्यादा हासिल करने और कैसे यानी जो है दूसरे यानी जो बड़े यूट्यूबर हैं उसकी जो यानी उनके अपना सब्सक्राइबर्स हैं उन तक कैसे अपनी वीडियो पहुँचानी है, कैसे उनकी ये देखें हमने क्या करना है। सबसे पहले ये देखें, मैं अब आपको एक वीडियो जो है ये एडिट करके दिखा रहा हूँ, ये बल्कि मैं आपको दोबारा से क्रिएट करके दिखा देता हूँ। ये मैंने यानी डाली हुई है पहले कि यहाँ से देखें हमने चले जाना है ये अपना मैनेज वीडियोस के अंदर, मैनेज वीडियो। लेकिन आपने ये काम जब करना है जब आपने वीडियो अपलोड करनी है साथ ही ये काम कर लेना है। ये देखें, अब यहाँ से मैं कोई भी वीडियोस उठा लेता हूँ, यहाँ से मैं ये वीडियोस को एडिट करता हूँ। यहाँ से एडिट करने के बाद ये देखें, अब मैं आपको बताऊँ सबसे पहले आपने क्या करना है। ये देखें, वीडियोज़ का नाम लिख देना है, नाम लिख के यानी जो आपने टाइटल देना है टाइटल वही टाइटल आपने डिस्क्रिप्शन में डाल देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने सर्च में जाना है, यहाँ पे आपने यानी इसके मुतल्लिक यानी सर्चिंग करनी है, जो टॉप पे जो वीडियोस आ रही होंगी उनके आपने जो टाइटल है वो यहाँ पे आपने डाल देने 1 से 5 तक। अब उसके बाद आपने यानी जो मैंने आपके सामने जिक्र किया था कि हैशटैग से हम क्या फ़ायदा ले सकते हैं, हैशटैग को हम कैसे यानी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका हमें क्या फ़ायदा होगा हैशटैग लगाने का, और यानी जो दूसरे जो बड़े यूट्यूबर हैं उनको हम कैसे अपने चैनल के साथ अटैच कर सकते हैं। ये देखें, अब ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने हैशटैग यानी लगाए हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 9 यानी जो हैशटैग मैंने लगाए हुए हैं। अब इनका मैं आपको फ़ायदा बताऊँगा कि ये जो मैंने यानी लगाए ये बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, कुछ इसमें पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं और कुछ इसके अंदर इंडिया के बड़े टॉप यूट्यूबर हैं। ये देखें, अब जैसे ये जो है इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो मैंने यानी लिंक लगाया ये 800 ये देखें नीचे आ रहा 853 वीडियोज़ में यानी ये टाइटल यानी जो है हैशटैग जो है यानी लगाया जा चुका और 751 चैनल पर यानी ये लगा है। उसके बाद ये देखें, मैं आपको ये दूसरा दिखा रहा हूँ, ये देखें दूसरे पर मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। ये देखें, अब ये जो है यानी इसमें 363 वीडियोज़ में यानी ये जो है यानी हैशटैग यानी ये जो नाम है यूट्यूबर ये लगाया गया है और 182 चैनल्स पे लगा है। ये देखें, ये यानी 1600 यानी 1600 वीडियोज़ पे यानी ये लगाया गया, 504 चैनल्स में यानी ये ऐड किया गया है। ये देखें, अब ये है यानी 700 यानी तकरीबन 7900 यानी वीडियोज़ में ये लगाया गया है। ये देखें 1100 चैनल में, ये देखें, अब ये इंडियन, अब ये देखें, ये अब आपके सामने आ रहा है। ये देखें, ये जो है 7000 यानी 500 कुछ वीडियोस हैं जिन पे यानी ये लगाया गया है और 172 के चैनल्स हैं जिसके अंदर यानी ये हैशटैग के साथ में ये लगाया गया है। तो इसका क्या फ़ायदा होता है, ये अब हमने जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं ये उनके यानी यूट्यूबर यानी जिनके चैनल्स हैं उनके नाम है ये,
ठीक है, ये ना किसी वीडियोस के नाम है, ये बड़े बड़े यूट्यूबर। अब इसका हमें क्या फायदा होता है, जब हम यहाँ पे इन्हें ऐड कर देते हैं, अब उसका हमें फायदा ये होता है कि जो इनके सब्सक्राइबर्स होते हैं उनके पास भी हमारी वीडियोस जाना शुरू हो जाती हैं, तो उससे क्या फायदा होता है, हमें व्यूज ज्यादा आते हैं। देखो, जब किसी आपका थंबनेल अच्छा होगा तो सबसे पहले थंबनेल होता है हमारा, थंबनेल अच्छा होगा तो अगर कोई बंदा है जिसके सामने वीडियो जाएगी वो थंबनेल देख के, यानी हमारी वीडियो पे क्लिक करेगा, वीडियो पे क्लिक करेगा तो अगर हमारा कंटेंट अच्छा होगा तो वो हमारी वीडियो को वॉच भी करेगा, उससे हमें व्यूज भी मिलेगा और क्या फायदा होगा, हमारा वॉच टाइम भी अच्छा होगा। अगर आपका यानी कंटेंट अच्छा है तो बाज़ का लोग आपके चैनल को सब्सक्राइबर भी करेंगे। अब यानी देखें, एक काम में क्या हो गया, आपको व्यूज भी मिल गया, वॉच टाइम भी मिल गया और सब्सक्राइबर भी आपको इसे मिलेंगे। तो ये जो है, आपने अपनी वीडियो के सामने जो अच्छे यूट्यूबर्स हैं उनके यानी हैशटैग लगा के आप उनके चैनल का नाम यानी अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, और ये फ्रंट पे शो नहीं होता। ये देखें, अब ये जो वीडियोस है इसे मैं आपको प्ले करके भी दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ से प्ले करता हूँ मैं यहाँ पे, यानी इनमें से ये देखें, अब ये सिंपली जो आपका टाइटल है वही शो होगा इसमें, अस्सलाम वालेकुम, मैं ये देख रहे हैं हसनैन, आपके आप देख रहे सामने। हैं हसनैन टेक्निकल। तो इस तरह से आप जो है अपनी वीडियोस को ये अंदर यानी हैशटैग लगा के उसे जो है आप अपनी वीडियो को रैंक कर सकते हैं, व्यूज हासिल कर सकते हैं। इसमें इससे क्या फायदा होगा, जहाँ आपके 3 4 5 6 व्यूज आके रुक जाते हैं तो ये आपके आस्ता आस्ता बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो ये थी दोस्तों आज की छोटी सी सेटिंग, अगर आपको ये पसंद आई है तो, यानी पसंद आई है तो वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो आगे भी मिलती रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।